गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताने वाले हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि किसी भी वायर में करंट पास करके हम मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक वायर में से करंट को पास किया और उसे कंपास के पास पे ले गए। तो कंपास का जो डिफ्लेक्शन नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है उसमें चेंज आ गया, और इस टाइप की एक्टिविटी करके उन्होंने शो किया कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो देखिए एक्टिविटी के जरिए हम करके देखते हैं कि किस टाइप से वो कंपास को डिफ्लेक्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास एक कंपास। कंपास को इस टाइप से एडजस्ट कीजिए कि इसकी जो नॉर्थ वाली नीडल है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में इंडिकेट करे। तो हमने इस कंपास को इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक पावर सप्लाई दी और एक वायर लिया। शुरुआत में हमने वायर लिया। वायर लेने के पीछे इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि इसमें अभी हमने करंट पास करना शुरू नहीं किया है। अब हम इसमें वायर में करंट पास करेंगे। तो देखिए ये वायर है, जैसे इसमें करंट पास किया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन दे दिया। कौन सी डायरेक्शन में दे दिया, ये ईस्ट की डायरेक्शन में दे दिया। अब देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो देखिए अब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ दिया। तो ये अभी इधर को डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब देखिए अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो अब हमने करंट की डायरेक्शन को यहाँ पर वायर के अक्रॉस चेंज कर दिया। तो देखिए अब डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ गया, अब डिफ्लेक्शन आ गया वेस्ट की तरफ। तो इस टाइप से ओस्टेड ने क्या फाइंड आउट किया, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को कंपास के पास में ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए कंपास अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, जैसे ही करंट कैरिंग वायर इसके पास में लेके जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये कहलाता है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ा एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर वो किसी कंपास के पास में ले जाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। दूसरा पॉइंट, करंट की डायरेक्शन को बदलने से कंपास में जो डिफ्लेक्शन है उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंपास कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी, वेस्ट की तरफ देगी या ईस्ट की तरफ देगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने एक स्नो रूल बनाया हुआ है जो अभी अगले लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी हमने सिर्फ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या पढ़ा, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को कंपास के पास पे ले जाया जाता है तो कंपास में डिफ्लेक्ट, वायर का मैग्नेटिक फील्ड कंपास के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाता है जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। थैंक यू।